नमस्कार। आज टक्कर होने वाली है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की। और याद करिए, सीजन 11 की शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुई थी। धोनी भारी पड़ गए थे रोहित शर्मा पर। आज क्या कुछ हो सकता है? क्या रोहित शर्मा हिसाब बराबर करेंगे या फिर धोनी जीत का सिक्सर लगाएंगे? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली। विनोद, बहुत स्वागत है आपका। चलिए मुंबई चलते हैं। विनोद कांबली वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुंबई इंडियंस के साथ? 5 मैच गंवा चुके हैं और अगर आज चेन्नई ने मैच हरा दिया तो फिर मुंबई के लिए तो दरवाजे बंद है सीजन 11 के। रविश, अगर देखना हो तो जैसे कमबैक जो दिल्ली की टीम ने की थी, जिस तरह से उन्होंने ये मैच मतलब लास्ट मैच जो उन्होंने खेला और जिस तरह से वो लोग ने कमबैक किया है, सेम तरीके से मुंबई इंडियंस को कमबैक करना है। मुझे पता है माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रही है और मतलब मैं कहूँगा कि डोमिनेंस जो होता है वो डोमिनेंस क्रिकेट खेल रहे हैं। और इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से मुंबई टीम का एक कहूँगा कि मुंबई इंडियंस का एक ही ड्रॉबैक रहा है, उनकी बैटिंग। इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं, बहुत सारे बेहतर मैं कहूँगा कि खिलाड़ी है, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं हो रहे और वो जो चमकने वाले मैं कहूँगा वो जो चमक रहे नहीं हैं। तो आज मैं जैसे करूँ कि करो या मरो की बारी है, तो जैसे कहूँगा कि लेट लतीफ होती है मुंबई इंडियंस की टीम। लेट लतीफ जैसे होते हैं, देखो अगर 2014 या 2015 में भी ऐसे दौर से वो गुजर रहे थे, लेकिन एक मैच जीतना बहुत ही कन्विंसिंग, मैं कह रहा हूँ कन्विंसिंग, मरते मरते नहीं, कन्विंसिंग अगर वो जीतते हैं तो मेरे हिसाब से कमबैक का चांस उनके पास अभी भी है। विनोद, लेकिन आपको लग रहा है कि आखिरी जो ओवर्स होते हैं वहां पे जाके मुंबई की टीम फंस जाती है और ये जिंक्स चला आ रहा है मुंबई इंडियंस के साथ? अच्छा खेल रहे हैं लेकिन आखिरी ओवर में जाके सारे मुकाबले गंवा दे रही है और ये शायद प्रॉब्लम है जिसने सीजन 11 में लगातार परेशान किया मुंबई इंडियंस को। जी जरूर, क्योंकि देखो अभी जो उनका थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक अभी क्या करने वाले हैं और किस तरह से रणनीति अगर देखो ये 6 मैचेस में बहुत ही मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल नहीं रही। महेश जयवर्धन है उनके पास, रॉबिन सिंह है, बहुत अच्छा उनके पास स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा जो टीम चाहिए मुंबई इंडियंस का एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, जो 11 टीम उनका ठीक तरह से चल रही नहीं है। पोलार्ड भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क, बाकी के प्लेयर्स भी जो है, खुद कैप्टन ने एक एग्जांपल, क्योंकि मैंने इतने मैचेस देखे, कैप्टन क्यों नीचे 4 या 5 नंबर पे बैटिंग किया हो रहा है? तो रोहित का ओपनिंग करना, जैसे वो नॉर्मली ओपनिंग करते हैं, तो वो अगर ओपन करते हैं तो एक अच्छा उनको एक अच्छा शुरुआत मिल सकती है उनको। तो वो कहीं ना कहीं उनके जो ग्राउंड उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, उनका थिंकिंग टैंक है, वो उनको जागना होगा, नहीं तो फिर ओम पट स्वाहा हो जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन अमित भाई, आपको लग रहा है शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि विनोद भी कह रहे हैं कि कारण पोलार्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं, आज एक चेंज कर सकते हैं अगर रोहित शर्मा चाहें तो, और रोहित शर्मा की खुद की बल्लेबाजी वो भी कुछ खास नहीं रही है? देखिए, इस स्टेज पर अगर चेंज करके तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 6 मैचों में सेम प्लेइंग 11 बैक की है तो एक मैच और बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आज के मैच ही डिसाइड कर देगा मुंबई इंडियंस कहाँ जाएगी। अगर जीता है, जैसे विनोद कह रहा है, कन्विंसिंग जीतना पड़ेगा, जीतते हैं तो ये सेम 11 आपको देखनी पड़ेगी। जिस तरह से मुंबई इंडियंस की बात हो रही ऑन पेपर में, अभी मानता हूँ 8 टीमों में ये सबसे स्ट्रांग यूनिट है। अगर आप मैच विनर्स की बात कर लो, हार्दिक पांड्या, बुमराह, रोहित शर्मा, अगर आपके पास मैच विनर प्लेयर्स हैं तो आपकी ये टीम क्यों नहीं जीत रही? ये थिंक टैंक जैसे आप कह रहे कोचिंग स्टाफ को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्हीं प्लेयरों को बैक किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि आपने बुमराह पे बिलीव किया कि हमारा बेस्ट बॉलर है, स्लॉग में ये जिताएगा। 2 मैच अगर देखा जाए, 2-3 मैच इनके हाथ से बॉल नहीं डला लास्ट में, और वहीं हार्दिक पांड्या से ही डला। तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमको किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है। जैसे विनोद कह रहे कि क्यों नहीं रोहित शर्मा ऊपर खेल रहे, अगर रोहित शर्मा ऊपर खेलते हैं तो शायद आपके जो वो तो लास्ट टाइम भी नहीं ऊपर खेल रहे थे ना, लास्ट टाइम भी नहीं खेले थे और फिर उनकी टीम चैंपियन बनी थी। देखिए वो थिंक उस टाइम आपका क्या माहौल डिफरेंट था, आप जीत रहे थे तो आप लास्ट ईयर ये नहीं था कि आप पहले 4 मैच या 5 मैच हारे हो तो आप चैंपियन बने। इस टाइम आप 5 मैच हार गए हैं और एक जीते हैं, तो इस टाइम अगर आप ये कॉम्बिनेशन विनोद भाई, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पहले भी था, रोहित शर्मा ने तो
सीजन 11 के शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि ओपनिंग मैं नहीं करूंगा, मेरा रोल तो मिडिल ऑर्डर में ही होगा, वहां पे मैं ज्यादा अपने आप को सूटेबल पाऊंगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन मेरा सवाल यह है, हार्दिक पांड्या इतने बड़े ऑलराउंडर, उनको कहा जा रहा है आपके साथ खेलने वाले लोगों ने कहा कि ये तो अगले कपिल देव होंगे, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने सीजन 11 में की है, विनोद आपको लगा है कि बहुत ज्यादा निराश किया है इस ऑलराउंडर ने? गेंदबाजी से तो एक दो विकेट लिए भी, लेकिन बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं दिखाई दी। जो कहते हैं ना हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाते थे हार्दिक पांड्या, वो एक छक्का भी लगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले मुकाबले में तो 3 रन बनाने के लिए 19 गेंदें खेल ली। जी जरूर है कि एक बड़ा सेटबैक रहा है हार्दिक पांड्या, जिस तरह से अगर उनकी बैटिंग देखो, बैटिंग में भी वो एकदम फेल हो रहे हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगा रविश की, जिस तरह से हार्दिक पांडे का रोल है, उनका पांड्या का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने कभी नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कपिल देव है। हार्दिक पांड्या को अपने आप को प्रूव करना होगा, ये बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या अपनी पूरा हुनर बता रहे नहीं है जो उनके पास है। तो एक बैटिंग जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है IPL में, 2020 में बैटिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पर वो फेल जा रहे हैं। तो आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेटर्स इट्स टाइम कि अभी टाइम आ गया अपने सॉक्स ऊपर कीजिए, खींचिए, नहीं तो टीम सफ़र करेंगे। क्योंकि एक टीम गेम होता है, ये टीम गेम है, तो हर एक प्लेयर को कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे माही की टीम क्या देखो, तो माही की टीम के एक एक प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे मुंबई इंडियंस वहाँ पर लैक कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए रोहित और अपने उनके मुंबई इंडियंस के बाकी प्लेयर्स का कि मेरा योगदान, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, नहीं तो फिर बहुत बहुत देर हो जाएगी। विनोद भाई, आपने जो कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, आपको लग रहा है कि पहले कहा जा रहा था चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि ये एक ओल्ड एज टीम है, 33 प्लस की टीम है, शायद इसमें वो दम ना हो, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत सटीक बना लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, और अगर उससे पार जाना है, क्योंकि फॉर्म में भी अब पूरी की पूरी टीम नजर आ रही है, तो हरक्यूलन एफर्ट जिसे कहा जाता ना वो करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को, वरना चेन्नई वाले नहीं छोड़ने वाले। जी नहीं ज़रूर, क्योंकि एक टफ मैच होगा। क्योंकि अगर IPL, किसी ने मुझे पूछा कि आज कौन सी टीम एकदम स्ट्रांग है, कौन जीतेगी कौन हारेगी, मैंने कहा कि IPL में प्रिडिक्शन करना मेरे बस की नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुंबई को एक अच्छी टीम, मतलब स्ट्रांगेस्ट टीम, मैं कहूँगा कि सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम है IPL 2018 की, वो है महेंद्र सिंह धोनी की, तो अगर उनसे उनको हरा कर ये मैच जीत कर अगर उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया तो मुंबई टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन धोनी की टीम को रिलैक्स लेना, मतलब मैं कहूँगा कि पैर पे कुराड़ी मारना होगा, तो इससे बहुत बढ़िया बहुत कुछ सीखने मिलेगा धोनी की टीम। जैसे कहूँगा वॉटसन हो या एक ही सिर्फ उनकी कमी रही है, वो है रविंद्र जडेजा, लेकिन बाकी के सब प्लेयर्स, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब ये टीम चुनी, ऑक्शन हुआ, उसको वो चाहिए था जो उसके प्लेयर्स थे जो चेन्नई सुपर किंग के, उसको वो टीम मिली है, और मुझे लगता है कि वो IPL का हकदार होगा जरूर। अमित भाई, महेंद्र सिंह धोनी एज ए बैट्समैन, एक नया अवतार उनका इस सीजन में नजर आया, और आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गाइडिंग फोर्स हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म में आना, खुद उनका खड़े रहना, मैच जिताना, ऑपोजिशन में एक दबाव डाल देता है। देखिए दबाव तो रहते हैं जब भी वो बैटिंग करने आते हैं, अगर आप इंडिविजुअल की बात करो, धोनी अकेला को गेम को पता कि कहाँ चलाना है, अगर आप किसी भी ऑर्डर पर आपके देख लीजिए कैलकुलेशन जबरदस्त, कैलकुलेशन आप खुद देखिए कि जडे को लास्ट मैच बैंगलोर में पहले भेज दिया, खुद 6 नंबर पे आए और सबको लग रहा था सीजन धोनी 4 या 5 नंबर पे खेले, वो खेल रहे थे, पर वो गेम को रीड करते और अपना रोल पता था कि मेरे को टीम की कब जरूरत है, मुझे कब जाना और किस तरह से एवरेज चेस करनी है, तो ये धोनी ने से सीखना चाहिए। और बाकी विनोद कह रहे हैं कि चेन्नई क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चेन्नई के पास जितने भी प्लेयर हो, एक्सपीरियंस प्लेयर हो, हर प्लेयर को अपना रोल मालूम है, वहाँ धोनी को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, हर पोजीशन पर रोल मिला हुआ और उसी पोजीशन पर सबको खिला रहे हैं और अपना रोल निभा रहे हैं, इसलिए आज चेन्नई टॉप पे है। और खाली एक कंसर्न जो चेन्नई का अभी भी लगता है वो है मीडियम पेस बॉलिंग अटैक, क्योंकि आपके इंडियन बॉलर्स तो हैं पर आपको एक ओवरसीज बॉलर है
वो कोई भी नहीं आपके पास। जी हाँ, मार्क वुड वैसे टीम में शामिल है, उनको भी एक मैच खिलाया था महेंद्र सिंह धोनी ने, फिर मार्क वुड को बिठा दिया, उसके बाद डेविड विली भी आ चुके हैं। अब धोनी को ये देखना है क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा फेरबदल करते नहीं है वो, तो अगर उनको चार अच्छे सूटेबल वहाँ पे गेंदबाज लग रहे हैं या वॉटसन और ब्रावो से वो काम चला रहे हैं तो शायद अमित भाई मुझे लग नहीं रहा वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पर चलिए बात दिल्ली की दबंग जीत की करते हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स ने किस तरीके से मुकाबले को अपने नाम किया वो आपको बताते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी दिल्ली के लिए, लेकिन कोलकाता को 164 रन पर समेट दिया, 219 रन बनाए थे दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से, और श्रेयस अय्यर ऐसा लगता है कप्तानी के साथ साथ एक लक भी लेकर आए हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। अमित भाई सब कुछ चेंज हो गया दिल्ली के लिए, गौतम गंभीर चले गए, उनको प्लेइंग 11 में भी नहीं रखा, आपको लग रहा है कि ये सोच बदलने से नया कप्तान आया, एक नई सोच लेके आया है और शायद लक फैक्टर भी आ गया दिल्ली के साथ? देखिए मैं लक फैक्टर नहीं कहूँगा, मैं अभी भी कहूँगा कि आप इंडिविजुअल डे पे कैसा खेलते हैं, और मैं कहूँगा कल दिल्ली का दिन तो सबने अच्छा खेला जी, यही प्लेयर है सारे, ऋषभ पंत शेष सारे मैच खेलते आ रहे हैं, पर आपका जब मैच की बात है कि आपके बॉलर ही मैच जीता, आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट कभी अच्छा नहीं किया, पर कल बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। अगर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी खूबी जो दिल्ली के दिल्ली में सारे ना जो मैच विनर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो खड़े होकर गाइड करके आगे तक लेके जाएगा, मैक्सवेल ले लो या शेष ले लो या ऋषभ पंत ले लो, ये सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। और आप दिल्ली को ऑन पेपर अभी भी कहता हूँ कि हाँ बैलेंस सेंटर पर खाली जो उनका कंसर्न अभी भी रहेगा वो बॉलिंग डिपार्टमेंट रहेगा। कल उनकी बॉलिंग अच्छी रही तो बाकी आगे वाले मैचेस में अगर उनकी बॉलिंग नहीं गिरी अच्छी तो फिर आपको रिजल्ट डिफरेंट मिल सकते हैं। विनोद, दिल्ली ने कप्तान चेंज कर दिया, उनकी तो किस्मत बदल गई, क्या कहेंगे आप दिल्ली के कॉम्बिनेशन के लिए कि गौतम गंभीर ने खुद स्टेप डाउन किया कि मैं कप्तान नहीं रहूंगा, एक नया कप्तान आया और शायद नई सोच भी लेकर आया दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए? अभिषेक ये होता है कि ये आईपीएल में अगर देखो ये 20-20 ओवर्स का जो होता है वो राइट टाइम पे क्लिक होना वो बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेशनली भी खेलो वो राइट टाइम पे, क्योंकि 20-20 जिस तरह से मैंने देखा हूँ इतने सालों तक मैं देखते आया हूँ, वो राइट टाइम पे क्लिक होना वो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि दिल्ली की टीम ने दिल्ली डेयरडेविल्स ने जिस तरह का वो क्लिक चाहिए था वो उन्हें मिला वो, और जिस तरह की जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ सब जन ने भूल गए और एक फ्रेश सोच लेकर वो ग्राउंड पे उतरे। हैट्स ऑफ जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की, उसको सबका सपोर्ट मिला और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, पृथ्वी शॉ हो या खुद कैप्टन, तो जो एक टाइम पे क्लिक होता है वही दादा होता है। चेन्नई वर्सेस मुंबई की जंग अब से थोड़ी देर के बाद। हमारे साथ विनोद कामली जुड़े हुए थे मुंबई से, विनोद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अमित भाई भी जुड़े हुए थे दिल्ली से, अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।